नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसजी अपडेट्स में। क्या टकराया है जुपिटर से और इस महीने हमें आसमान में क्या देखने को मिलेगा, ऐसी ही कई मजेदार अपडेट्स हैं आपके लिए, तो बने रहिए हमारे साथ आगे इस वीडियो में। 7 अगस्त को बुधवार के दिन एक एस्ट्रोनोमर इथन चैपल ने कुछ इमेजेस को रात के आसमान में कैप्चर किया। अपनी इन इमेजेस में चैपल ने एक काफी अनोखी घटना को कैप्चर किया। उन्होंने अपनी इमेजेस में कैप्चर किया एक एस्ट्रॉइड जो जुपिटर से टकरा रहा था। इस इमेज को देखने के बाद इथन ने ट्विटर पर पोस्ट किया कि यह दिन मेरे लिए एक अनरियल दिन है, और उन्होंने कहा कि उनके अलावा किसी और ने भी अगर यह इंसिडेंट देखा या रिकॉर्ड किया हो तो वो उन्हें कॉन्टेक्ट करे जिससे उनकी इस खोज की पुष्टि हो पाए। जिसके बाद इथन के साथी एस्ट्रोनोमर्स ने यह तस्वीरें उनकी साइट चैपल एस्ट्रो पर डाल दी। चैपल अभी भी इस वेट में है कि कोई और भी हो जिसने यह इंसिडेंट रिकॉर्ड किया हो। वैसे मैं आपको बता दूं कि किसी एस्ट्रॉइड का किसी ग्रह से टकराना एक आम बात है, लेकिन जुपिटर के एक गैस जाइंट होने के कारण यह एस्ट्रॉइड की टक्कर उसे कुछ खास बना देती है। इस ग्रह जुपिटर से पहले सन 1994 में एक एस्ट्रॉइड टकराया था जो जुपिटर से टकराते ही 20 हिस्सों में टूट गया था, और यह 20 हिस्से इसके बादलों में काफी बड़े बड़े डार्क स्पॉट्स को छोड़ गए। अब हमें बस इस बात का वेट है कि इस एस्ट्रॉइड टक्कर की कंफर्मेशन जल्दी से की जाए। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है हम मनुष्यों के चांद और मंगल पर अपना कदम रखने से। नासा के अपोलो 11 मिशन के स्पेस सूट बनाने वाली कंपनी ने अपने नए स्पेस सूट का प्रोटोटाइप बना लिया है जिसे उन्होंने एस्ट्रो नाम दिया है। उन्होंने स्पेस सूट के प्रोटोटाइप को 25 जुलाई को वॉशिंगटन डीसी के एक इवेंट में अपोलो 11 की 50वीं एनिवर्सरी पर रिवील किया। इस नए एस्ट्रो स्पेस सूट में काफी इम्प्रूवमेंट्स और कुछ नए फीचर्स को भी ऐड किया गया है। इसमें उन्होंने एक नई कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल टेक्नोलॉजी को यूज किया है जो कि एस्ट्रोनोमर्स की मदद लंबे ऑपरेशन के दौरान करेगी। यह नया स्पेस सूट पहले के स्पेस सूट के मॉडल से काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है जिससे एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में किसी भी तरह की मूवमेंट करने में आसानी होगी। इस स्पेस सूट में नए फीचर ऐड करने पर भी इसके वेट में पहले के मॉडल के अकॉर्डिंग कुछ खास चेंज नहीं आया है, और इस स्पेस सूट का सबसे बड़ा फीचर है कि इस स्पेस सूट को मिशन के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर किया जा सकता है और इसके कई पार्ट्स मॉड्यूलर भी हैं। इन सब के अलावा इस स्पेस सूट में एक डिजिटल डिस्प्ले भी लगाई गई है जिससे एस्ट्रोनॉट्स एक दूसरे से रियल टाइम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इस नए सूट में और भी कई नए फीचर्स हैं। अब देखना यह होगा कि नासा को यह स्पेस सूट उनके मार्स मिशन के लिए कैसा लगता है। इसी के साथ दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो तीसरी अपडेट है पर्सेड मेटियोर शावर से जुड़ी। पर्सेड मेटियोर शावर जो हमें हर साल 17 जुलाई से 24 अगस्त तक देखने को मिलती है, लेकिन इस साल हमारे चांद के फुल मून होने के कारण हमें यह काफी कम मात्रा में देखने को मिले। तो नासा के रिसर्चर्स का कहना है कि यह मेटियोर शावर हमें 12 से 13 अगस्त की रात को 9 से लेकर 11 बजे के करीब देखने को मिलेंगे। इस मेटियोर शावर को क्लियरली देखने के लिए आपको किसी अंधेरी जगह से इसे देखना होगा। पहले आपको आसमान में कुछ ही मेटियोर देखने को मिलेंगे, लेकिन इनकी अमाउंट समय के साथ इंक्रीज करती जाएगी। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप यह मेटियोर शावर देखोगे या नहीं। नेक्स्ट अपडेट जुड़ा है पार्कर सोलर प्रोब से। जैसे कि हम जानते हैं कि नासा के सोलर प्रोब ने हमारे सन के एटमॉस्फेयर में अभी तक 2 डाइव्स लगाई हैं, जिससे मिले डाटा को पार्कर सोलर प्रोब ने हमारे तक पृथ्वी तक पहुंचा दिया है। वैज्ञानिकों ने इस मिशन से मिले डाटा को स्टडी करके हमारे सूर्य से जुड़े रहस्यों के बारे में काफी कुछ पता लगा लिया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इन ऑर्बिट से मिले डेटा को कलेक्ट कर लिया गया है और हम पार्कर सोलर प्रोब को हमारे सन के एक तीसरे ऑर्बिट के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि इस ऑर्बिट से मिलने वाले एक्स्ट्रा डाटा से हमें हमारे सन के बारे में और भी कुछ जानने को मिलेगा। यह ऑर्बिट 27 अगस्त को शुरू किया जाएगा और पार्कर सोलर प्रोब की हमारे सन से सबसे करीबी फ्लाइट 1 सितंबर को होगी। अब देखते हैं कि उस ऑर्बिट से और क्या क्या हमें हमारे सन के बारे में जानने को मिलेगा। दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन सा अपडेट पसंद आया। दोस्तों अगर अपडेट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।
ऐसे ही स्पेस रिलेटेड वीडियोस और अपडेट्स के लिए स्पेस जोश को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही एक नए इन्फॉर्मेटिव एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।